नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी कंपनी सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्वयं पर। दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें आप अपनी कंपनी का पूरा मुझे एक टूर करके बताइए कि कौन सी जगह पर क्या क्या होता है, स्टॉक कितना है, क्या कैसे होता है, वो सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा ऑफिस का टूर दिखाऊँगा कि ऑफिस कैसी है और आपका जो स्टॉक है कितना स्टॉक रहता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि पता नहीं कंपनी जो है सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री, इनके पास में स्टॉक है कि नहीं है। यदि हम आगे लाइफ टाइम के लिए बिजनेस करना चाहें तो हमें रॉ मटेरियल ये कंपनी प्रोवाइड करवा पाएगी या फिर नहीं प्रोवाइड करवा पाएगी। तो बस आज इस वीडियो को आखिरी तक एक बार देख लीजिएगा। मेरी ये आपसे एक भी रिक्वेस्ट ज़रूर है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आज, मात्र 10 से 15 मिनट की आज की ये वीडियो होने वाली है, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, ये आपका प्रवेश करने का सबसे पहले ये रूम आता है। इस रूम में आप सभी लोग आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ये फुल्ली सेटअप लगा है। हमारे यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट बैठा रहता है। यहाँ पे आपके 3 से 4 ये आपके पीसी लगे हुए हैं। इसमें जो भी कस्टमर होते हैं उनके साथ में सारी कुछ व्हाट्सअप पे चैटिंग वगैरह होती है और जो भी जानकारी दी जाती है फुल्ली इंक्वायरी दी जाती है। इसके बाद में दूसरा डिपार्टमेंट दूसरी साइड में लगा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे जो कस्टमर आते हैं, न्यू विजिटर आते हैं कंपनी में हमारी में, प्रतिदिन लगभग मैं बात करूँ तो 30 से 35 कस्टमर विजिटर पर डे आते हैं और यहाँ से हैंड टू हैंड मटेरियल लेके जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप में से कोई भी कस्टमर यहाँ पर आना चाहता है तो कंपनी में कभी भी आ सकता है। आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है हमारी कंपनी में। ओके, यहाँ पर देखेंगे जो भी आइटम होते हैं उन सभी के यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोगों के सैंपल यहाँ पर मैं एक दिखा दूँ आपका प्रोडक्ट, ये देखेंगे आप लोग दोस्तों। ये आपकी हाउसिंग है 18 वाट की, जो कि बहुत बड़ी साइज में आपकी 80 mm की ये हाउसिंग है और ये आपके इन्वर्टर बल्ब है। ऐसे करके मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इनके सभी सैंपल यहाँ पर रहते हैं। कस्टमर शुरुआत में जब आता है तो उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कैसे क्या, तो पूरी इंक्वायरी दी जाती है कौन से प्रोडक्ट को कैसे क्या करना होता है और कौन से प्रोडक्ट की कौन सी हाउसिंग होती है। ये आप देखेंगे, ये आपका दोस्तों जो 0.5 वाट का जो बल्ब होता है ये भी यहाँ पर मिल जाएगा। सारे कुछ प्रोडक्ट LED के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे कुछ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये आपकी स्ट्रीट लाइट होती है जो कि सोलर एनर्जी वाली होती है स्ट्रीट लाइट। ये पैकिंग बॉक्स होते हैं कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं हमारे यू लाइट के और सत्यम के ब्लिंग लाइट के, ये तीनों हमारे ही ब्रांड है। फ्लड लाइट भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद में मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पे कंपनी का बैनर लगा हुआ है सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री ऑल इंडिया LED बल्ब रॉ मटेरियल सप्लाई। ओके, और यहाँ पर फिर इस साइड में मैं चलता हूँ यहाँ पर, तो आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे सारे जो कंपनी के लीगलिटी डॉक्यूमेंट होते हैं वो लीगलिटी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर लगा रखे हैं, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है दोस्तों सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पर आप लोगों से कुछ और नहीं बोला जाएगा, जो है हमारे पास में वो सारा कुछ आप लोगों को दिखाया जाएगा। मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट्स लीगलिटी के बारे में बता देता हूँ। ये आप लोग देखेंगे, ये हमारा GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और ये आपका दोस्तों देखेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट है और ये आपका ISO सर्टिफिकेट है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे ये आपका MSME सर्टिफिकेट है दोस्तों और ये आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और ये कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स हैं दोनों करंट अकाउंट आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर। यदि आप लोग में से कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो यहाँ पर ले सकता है। कभी भी कोई भी कस्टमर है उनको अमाउंट डालना है इन्हीं दो अकाउंट में से किसी में आप लोगों को डालना है। बहुत सारे लोग आप लोगों से फर्जी कॉल करके बोलते हैं कि हम सत्यम LED लाइटिंग इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल नहीं, कभी भी अमाउंट आप लोगों को डालना है हमेशा इन्हीं अकाउंट में डालना है। इसके बाद में जो अंदर की सर्किट तथा MCPCB होती है उन सभी सर्किट और MCPCB के यहाँ पर हमने सैंपल लगा के रखे हैं, जो न्यू कस्टमर होते हैं उन सभी लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कि ये ड्राइवर किसका है, ये MCPCB किसके, इसके लिए मैंने परमानेंटली वीडियो बना के रखी है। जो लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा तथा आई कार्ड में उसकी भी लिंक दे दूंगा। इसके बाद में मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये आप लोग देखेंगे ये आपकी है ऑटोमेटिक प्रेसिंग मशीन। जो कस्टमर ऑटोमेटिक प्रेसिंग मशीन तथा पंचिंग मशीन लेना चाहता है तो हमारी कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ से विजिट करके ले सकता है। ओके, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे ये आपकी प्रेसिंग मशीन एक लगी रखी है। यहाँ पर मैं दूसरे कंपार्टमेंट में आ गया हूँ और यहाँ दूसरे कंपार्टमेंट में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा दूसरा स्टाफ बैठा है, जैसे कि ट्रैकिंग करने वाला स्टाफ तथा कंप्लेंट नोट करने वाला स्टाफ। ओके, यहाँ पर भी आपका सारा कुछ सेटअप लगा हुआ है, टोटली स्टाफ यहाँ पे रहता है। ओके, यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं है। आप सभी लोगों से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप वीडियो तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं लेकिन आपके जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो बराबरली आपको रेस्पॉन्स नहीं दे पाते, तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी सेल्स डिपार्टमेंट है बराबर बिजी रहते हैं, जो भी अपनी ड्यूटी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन इंक्वायरी बहुत ज़्यादा होने की वजह से सर वो प्रॉपरली आप लोगों को जवाब नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर ये हमारे कंपनी के
सेल्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट होता है, जो भी कंप्लेंट वगैरह होती है वो सारा कुछ इनके अंडर में आता है। जो भी कस्टमर विजिटर होते हैं ये वो सारा कुछ ये हमारे सर समझाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा अंदर। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर आपकी ये रैक लगी हुई है, इनमें आपकी MCPCB, SMD, MCPCB, LED, ट्यूबलाइट की MCPCB, सारी MCPCB आप लोगों को मिल जाएंगी। ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी खुद की असेंबल की हुई, दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ, खुद की हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की गई MCPCB। यहाँ पर आप लोग देखेंगे SS Power, ये SS Power दोस्तों हमारी कंपनी का ही MCPCB है। ओके, इसके बाद में बात करेंगे, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये आपके रेडी प्रोडक्ट भी लगा रखे हैं हमने। जो कस्टमर रेडी प्रोडक्ट लेता है तो रेडी प्रोडक्ट भी हमारी कंपनी से ले सकता है। स्टॉक की भी दोस्तों बिल्कुल भी कमी नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये आपकी लेज़र पेन, जो कि मैंने दिवाली आइटम के परमानेंटली वीडियो बना रखी है, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो उस वीडियो को आप सभी लोग देखेंगे और समझ जाएंगे। अभी दिखाने के लिए दोस्तों बहुत सारा कुछ है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, बस मैं आप लोगों को थोड़ा टूर करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो मुझे पता है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते, तो ये है हमारा यहाँ पर रहता है असेंबलिंग स्टाफ, जो रेडी प्रोडक्ट किए जाते हैं आप लोगों के वो इस जगह पे होते हैं। अभी क्या है, लंच टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को वो स्टाफ अभी देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो जो भी LED बल्ब रेडी किए जाते हैं दोस्तों वो यहाँ पर इस जगह पे किए जाते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये आपके IC क्वालिटी के, HPF क्वालिटी के जो भी बल्ब हैं वो असेंबलिंग किए जा रहे हैं और बल्ब बनाकर रेडी किए जा रहे हैं, कस्टमर के जो भी ऑर्डर रहते हैं वो उनके पास में पहुँचाए जा रहे हैं। इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये AC DC के जो बल्ब होते हैं, ये जैसे आपके हैं ये SPF ड्राइवर के ये जो बल्ब बन रहे हैं वो सारे बल्ब हैं। इस साइड में अगर आप सभी लोग देखेंगे तो ये जो पूरा रूम है, ये पूरा रूम आपके दोस्तों दिवाली के जो आइटम होते हैं, कंसील लाइट होती है, उनसे पूरा भरा पड़ा है। जब ज़रूरत पड़ती है तब इसमें से सामान निकाला जाता है। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे जो कस्टमर के AC DC में खुद के ब्रांड के साथ में यहाँ पर देखेंगे, इनका सर का ऑर्डर था रेडी प्रोडक्ट इनको चाहिए, तो इनके AC DC रेडी बनाए जा रहे हैं। इसके बाद में हम थोड़ा सा अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक रूम और है दोस्तों। यहाँ पर इस रूम में आप लोग देखेंगे इसमें टोटली आपका ट्यूबलाइट का दोस्तों रॉ मटेरियल भरा पड़ा है। टोटली आप सभी लोग देखेंगे कि बहुत सारी ट्यूबलाइट है यहाँ पर, टोटली ट्यूबलाइट ही ट्यूबलाइट का पूरा एक हमने रूम भर रखा है यहाँ पर। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अंधेरे की वजह से आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये जो पूरा रूम है आप सभी लोग देखेंगे ये ट्यूबलाइट है। ये आपके दोस्तों हमारे जो यूलाइट है, ट्यूबलाइट के बॉक्स हैं दोस्तों। ओके, तो ये पूरा रूम जो है पूरा ट्यूबलाइट, रेडी ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट का रॉ मटेरियल यहाँ पर, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ यदि तो, जैसे ट्यूबलाइट की जो MCPCB होती हैं दोस्तों, ये आप सभी लोग देखेंगे ये ट्यूबलाइट की दोस्तों SMD MCPCB है। जो लोग रॉ मटेरियल ट्यूबलाइट का लेते हैं उन लोगों को रॉ मटेरियल भी हमारी कंपनी ट्यूबलाइट का प्रोवाइड करवा देती है। यहाँ पर ये असेंबलिंग स्टाफ है। इसके बाद में मैं इस रूम में यहाँ पर सारा कुछ टेस्टिंग करने के बाद में ही कस्टमर के पास में पहुँचाया जाता है पूरे दिन। और ये जो यहाँ पर स्टाफ लगा रहता है, जो असेंबलिंग स्टाफ है, इनकी 24 आवर्स ड्यूटी रहती है, स्टाफ चेंज होता रहता है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक इनकी ड्यूटी रहती है और शाम को स्टाफ जो है चेंज हो जाता है। इसके बाद में मैं इस रूम की बात करूँगा तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे इसमें दोस्तों आप लोगों की लगी है लेज़र प्रिंटिंग मशीन। यहाँ पर जो भी कस्टमर अपने खुद का ब्रांड करवाते हैं तो अपना खुद का ब्रांड भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं अगर अभी की मैं बात करूं तो टोटली हमारे साथ में लगभग 600 से अधिक दोस्तों ब्रांड हमारे साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी देखेंगे अभी भी दूसरे ब्रांड का एक प्रिंट हो रहा है, यूनिक LED करके है, और नीचे भी और ब्रांडिंग के जो प्रिंटिंग है वो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे। तो यदि कोई कस्टमर अपना खुद का ब्रांड बनवाना चाहता है LED बल्ब के ऊपर, LED प्रोडक्ट के ऊपर, तो खुद का ब्रांड भी बनवा सकता है। यहाँ पर देखेंगे ये जो है यहाँ पर टोटली ये हाउसिंग भरी पड़ी है एल्युमिनियम वाली, जिनमें एल्युमिनियम वाली AC DC वाली आप लोगों की हाउसिंग इसमें है। अब ये तो दोस्तों हो गया एक कंपार्टमेंट। यहाँ पे सारा कुछ जो भी ड्राइवर्स होते हैं उनकी पहले यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। ये आप सभी लोग टेस्टिंग बोर्ड यहाँ पर देख रहे हैं, टेस्टिंग बोर्ड में यहाँ पर पहले की टेस्टिंग की जाती है कि इसकी लाइफ कितनी ज़्यादा हो सकती है। यदि उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो उस चीज़ को पहले चेक किया जाता है कि कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, उसी के बाद में हम कस्टमर को सजेशन देते हैं कि आप इस प्रोडक्ट में इतनी वारंटी या गारंटी दे सकते हैं। यदि कोई दोस्तों रेडी प्रोडक्ट लेता है तो रेडी प्रोडक्ट में कंपनी की वारंटी रहती है और रॉ मटेरियल में कभी भी कोई भी कंपनी आप लोगों को वारंटी नहीं देगी। ओके, तो ये बात आप लोगों को ख्याल रखना है। अब हम चलेंगे हमारा जो दूसरा कंपार्टमेंट है जहाँ पर हमारा स्टॉक रखा रहता है, जो आपके SPF ड्राइवर होते हैं, हाउसिंग होती हैं, वहाँ पर उस जगह पर हम चलते हैं और वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी स्टॉक कितना है, कोई भी कस्टमर यहाँ पर आता तो कितना ज़्यादा यहाँ से रॉ मटेरियल तुरंत के तुरंत हैंड टू हैंड यहाँ से ले जा सकता है।
मैं अगर मैं अभी बात करूं तो अभी भी कोई भी कस्टमर आकर हैंड टू हैंड 50,000 क्वांटिटी तक या 1,00,000 क्वांटिटी भी ले जाना चाहता है तो तुरंत के तुरंत अपनी गाड़ी लेकर आओ और तुरंत के तुरंत यहां से भरकर ले जाओ। तो चलते हैं हम अपने दूसरे कंपार्टमेंट के पास। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने उस एरिया में जहां पर जो पूरा स्टॉक रखा रहता है। यहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अभी की यदि मैं कंडीशन की बात करूं तो अभी कितना ज़्यादा स्टॉक है हमारे पास में। यहां पर जो है आपकी जो हाउसिंग रहती है और जो रेडी बल्ब जो बल्ब बनाने के बाद में रखे जाते हैं वो इस एरिया में रखे जाते हैं। उसके बाद में जो आपके HBF ड्राइवर्स होते हैं वो सारे ड्राइवर्स यहाँ पर रखे रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे ये आप जो बॉक्स देख रहे हैं ये पूरे बॉक्स जो हैं पूरे बॉक्स में आपकी हाउसिंग रखी गई है। थोड़ा सा और इधर आए यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत कम बॉक्स हैं लेकिन यहाँ पे और अंदर यदि आप जाओगे तो यहाँ पर लगभग ये आपके 300 से 400 पैक ये बॉक्स रखे हुए हैं और इनके बॉक्स के अंदर टोटली आपकी दोस्तों हाउसिंग रखी हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने ये जो बॉक्स हैं आपके सिर्फ बॉक्स खाली बॉक्स रख दिए, दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बॉक्स ओपन करके भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये बॉक्स है आपका तो इस बॉक्स के मैं यहाँ पर आप लोगों को ओपन करके जस्ट दिखा देता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो आपकी हाउसिंग है ये विदाउट प्रिंटेड हाउसिंग है। इसके बाद में इस एरिया से जाती हैं जो मैंने अभी एरिया आपको दिखाया था लेज़र प्रिंटिंग वाला, तो उस एरिया में जाते हैं यहाँ पर ये हाउसिंग देखेंगे। इसमें थ्री लेयर रहती है, जैसे एक लेयर ये आपकी हो गई, ये आप हाउसिंग देखेंगे विदाउट ब्रांड, इसमें कोई ब्रांड नहीं है। इसके बाद में एक लेयर के बाद में सेकंड लेयर और है और इसी तरीके से आपकी 3 से 4 लेयर इस बॉक्स में आपकी रहती हैं। ओके, तो ये जो बॉक्स हैं इन सभी बॉक्स में आपकी 57 mm की जो हाउसिंग है जो कि आपकी 5 वाट 7 वाट और 9 वाट में जो हाउसिंग होती है वो आपकी ये सभी बॉक्स में आप लोगों को ये हाउसिंग दोस्तों मिल जाएंगी। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग ये जो बड़े बड़े बॉक्स देख रहे हैं ये बड़े बड़े बॉक्स में आप लोगों को दोस्तों जो 65 mm की हाउसिंग होती है वो आपकी 65 mm की हाउसिंग तथा टिकली वगैरह ये जो डिफ्यूज़र वगैरह होते हैं वो ये बड़े बॉक्स में आप लोगों की हाउसिंग वगैरह रहती है। ओके, इसके बाद में मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये बॉक्स रखे हैं, इसके ऊपर आपकी जो सिस्का वाली जो हाउसिंग वगैरह रहती है वो आप लोगों की है, वो भी मैं आप लोगों को एक ये ओपन करके बॉक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आप लोग देखेंगे ये आपकी जो हाउसिंग है जो सिस्का टाइप हाउसिंग होती है अल्फा DOB की ये जो हाउसिंग होती है ये आपकी टोटली हाउसिंग है। ये आप लोग देखेंगे इसके भीतर भी एल्युमिनियम क्लोटिंग रहती है, तो ये सभी बॉक्स में आपकी दोस्तों वो वाली हाउसिंग है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये आपकी जो अल्फा DOB की दोस्तों MCPCB हैं, ये आपकी अल्फा DOB की MCPCB रहती हैं। ये आप सभी लोग देखेंगे ये आपकी अल्फा DOB की MCPCB है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर चलता हूँ मैं इधर में जो कि मैंने आप लोगों को बताया था रेडी प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे ये जो बॉक्स होते हैं ये आपके आउटर दोस्तों बनाए गए हैं, 200 पीस का एक आउटर रहता है। यहाँ पर ये इसमें आपके जो DOB प्लास्टिक बॉडी का जो बल्ब होता है इसमें वो है। ओके, आप लोग चाहें तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स को वो भी ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप लोग ये देखिएगा जैसे जो भी हमारे कस्टमर के ऑर्डर रहते हैं रेडी प्रोडक्ट लेते हैं जो कि DOB प्लास्टिक बॉडी वाला जो बल्ब होता है, जैसे ऑफ़र निकला था कुछ समय पहले दोस्तों 12 रुपये का मात्र ये DOB प्लास्टिक बॉडी का बल्ब आप लोगों को दिया जा रहा था, तो ये वो बल्ब है। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे ये आप सभी लोग देख सकते हैं ये आपका 10 आपका LED बल्ब है, 10 LED बल्ब हैं इसमें एक पॉलीथिन में। ओके, इस प्रकार ये पूरे बॉक्स के अंदर दोस्तों 200 बल्ब रहते हैं। तो ये आप लोग पूरा एरिया देखें, थोड़ा अंदर तक आप दिखा दीजिए सर, अंदर तक आप लोग देखेंगे ये आपके बॉक्स पूरे ये रेडी बल्ब के रखे हुए हैं, ये भी आप लोगों के दोस्तों रेडी बल्ब रखे हुए हैं यहाँ पर। ओके, इसके बाद में मैं बात करूँगा यहाँ पर आपको जो HPF ड्राइवर्स रहते हैं, HPF ड्राइवर ये बॉक्स आप सभी लोग देखेंगे, इन बॉक्स के अंदर दोस्तों टोटली आपके लिए ड्राइवर्स हैं, जो IC क्वालिटी के ड्राइवर रहते हैं ये टोटली ड्राइवर्स हैं। मैं यदि ये बॉक्स हैं इन सभी बॉक्स के बारे में बात करूं तो टोटली इन बॉक्सों में दोस्तों अभी 1.5 से 2 लाख ड्राइवर यहाँ पर मौजूद हैं। एक ड्राइवर की आप लोग बात करें तो एक ड्राइवर 20 रुपये भी यदि आप प्राइस रख लेते हैं तो 1.5 से 2 लाख ड्राइवर की दोस्तों कितना इन्वेस्टमेंट रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी छोटी है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके हमने हमारी जो कंपनी है वो सारी कुछ चल रही है। तो ये अभी स्टॉक की मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि सर यदि हम लाइफ टाइम करना चाहते हैं, अभी जैसे किट तो ले लिया
और उसके बाद में यदि रॉ मटेरियल लेते तो क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो पाएगा कि रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड हो पाएगा, तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री से आप कभी भी कितना भी मटेरियल यहाँ से उठा सकते हो, स्टॉक की कभी भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका दोस्तों स्टॉकिंग एरिया हो गया, हाउसिंग वगैरह होगी। इसके बाद में मैं चलूँगा जो आपका जो पैकिंग इस पैकिंग का कंपार्टमेंट होता है, जहाँ पर आप लोग जो भी ऑर्डर देते हैं वहाँ पर पैकिंग चलती है, उस एरिया में चलूँगा। कैसे स्टाफ काम कर रहा है वहाँ पे, आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सारा कुछ मैं अब चलने वाला हूँ अपने उस पैकिंग एरिया में। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बनी रहिएगा। चलिए अभी चलते हैं हम अपनी पैकिंग एरिया। अभी हम आ गए हैं अपने पैकिंग एरिया में। जब आप लोगों का रॉ मटेरियल पैक हो जाता है, पैक होने के बाद में कुछ इस तरीके से कार्टून बनते हैं। कार्टून बनने के बाद में दोस्तों आपके पार्सल को स्कैन किया जाता है। जैसे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके पार्सल को स्कैन किया जा रहा है। यहाँ पर स्कैन करने के बाद में यहाँ पर आप सभी लोग, एक ये पार्सल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें जैसे 12,000 COD है, ये सुरेश नाम के कस्टमर का एक ये पार्सल है। उस यहाँ पर स्कैन होने के बाद में इस तरीके से गाड़ी में लोड होता है और यहाँ से जाता है कोरियर कंपनी की हेड ऑफिस में। और हेड ऑफिस में जाने के बाद में जहाँ पर भी जिस स्टेट में आप लोगों का ऑर्डर होता है, उस स्टेट में आपका ऑर्डर पहुँचाया जाता है। इस तरीके से स्कैन किए जाते पार्सल। इसके बाद में मैं चलता हूँ अंदर। ओके, अंदर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपके जो भी पार्सल हैं उन सभी पार्सल में यहाँ पर आपकी कोरियर की स्लिप लगाई जाती हैं। पार्सल पैक होने के बाद में कोरियर की स्लिप लगाने के बाद में स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद में दोस्तों गाड़ी पर लोड की जाती है। ओके, तो इसके बाद में मैं और यहाँ पर मैंने बोला था कि पैकिंग एरिया में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर साइड में ये जो आपके कार्टून्स होते हैं, जो बाहर के जो बॉक्स होते हैं उनमें मटेरियल रखा जाता है, वो बॉक्स पड़े हैं। इसी के साथ में पीपी के जो यहाँ पर आप सभी लोग ये जो कट्टे वगैरह देख रहे हैं, इनमें सभी के आप लोग जो अपने ब्रांड के बॉक्स बनवाते हैं उन सभी लोगों के बॉक्स बने रखे हैं। किसी दिन उसके लिए मैं परमानेंट वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ कि आप लोग जो बॉक्स बनवाते हैं, और बहुत सारे ब्रांड हैं जो हमारे साथ में अपने बॉक्स के साथ में अपने ब्रांड के साथ में अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे आपके आउटर रखे हैं, यहाँ पर इस साइड में आप यहाँ पर देखेंगे आपके आउटर रखे हुए हैं जिनमें आपका मटेरियल पैक किया जाता है। ओके, क्योंकि पैकिंग आपकी 24 आवर्स चलती है, इस वजह से इस एरिया में आपका जो बॉक्स वगैरह हैं वो बुरी तरीके से गलत कंडीशन में आप सभी लोग देख सकते हैं। इसके बाद में मैं थोड़ा और अंदर चलता हूँ, और यहाँ पर मैं आप सभी लोग देखेंगे ये आपका मटेरियल पैक हो रहा है। इनमें आपका डिफ्यूज़र हो गया, ये सारे आपके डिफ्यूज़र वगैरह हो गए, ये पैकिंग चल रही है, एक पार्सल ये रखा है। इसके बाद में मैं और अंदर चलता हूँ, तो और अंदर आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, ये है आपका पैकिंग का दोस्तों मेन एरिया। यहाँ पर आप सभी लोगों के सारे मटेरियल की पैकिंग चलती है, आप लोगों के जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनकी पैकिंग यहाँ पर चलती है। यहाँ पर हमारा जो टोटली स्टाफ है वो वर्किंग करता है, और थोड़ा स्टाफ की अभी कमी है, दूसरे वाले गोदाम पर अभी हमारा थोड़ा स्टाफ लगा हुआ है। ओके, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा कुछ आप लोगों को पूरा टूर कराऊँगा कि कैसे यहाँ पर आप लोगों के ऑर्डर्स को पैक किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं इस कॉर्नर में। इस कॉर्नर में मैं आप लोगों को दिखा दूं कि बड़े बड़े बॉक्स बनाए गए हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे ये बड़े बड़े यहाँ पे ये बॉक्स बनाए गए हैं। इन बॉक्स में, इस वाले में आपकी 57 mm की हाउसिंग रखी जाती हैं। इसमें आप लोग देखेंगे ये आपके टोटल B22 कैप है। ये आप लोग देखेंगे ये सिल्वर की आप लोगों के B22 कैप हैं। ओके, और ये आप लोग यहाँ पर ये पूरा देखेंगे, इसमें लगभग आपके 10 से 20 हज़ार और उससे भी अधिक आप लोगों के दोस्तों B22 कैप आप लोगों के यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये जो आप सभी लोग कट्टे देख रहे हैं, इनमें सभी में आप लोगों के दोस्तों पैकिंग बॉक्स रहते हैं। इसके बाद में इस एरिया में चलते हैं, यहाँ पे आप सभी लोग, पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये आपकी रैक हैं। इन सभी में आप लोगों के ड्राइवर्स रखे हुए हैं, RC ड्राइवर, HPF ड्राइवर, जो ड्राइवर होते हैं वो सभी ड्राइवर्स आपके 12 वाट 15 वाट के इस यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी मैंने आप लोगों के स्टॉक एरिया में भी दिखाया था, वहाँ पे भी रखे हुए हैं, और यहाँ पर क्योंकि पैकिंग चलती है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी रखा जाता है कि पैकिंग चलती रहे, यहाँ पे कम पड़ता है तो उस गोदाम में से उठा के यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों की ये 57 mm इसमें हाउसिंग रखी जाती है। इसमें आप लोगों के दोस्तों B22 कैप, इसमें आपकी टिकली वगैरह, इसी तरीके से आप लोग इसमें देखेंगे, इस बॉक्स में मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो इसमें आपके टोटली दोस्तों डिफ्यूज़र है। यहाँ पर ये देखेंगे आप सभी लोग, ये आपके 12 वाट के डिफ्यूज़र इसमें टोटली भरे हुए हैं पूरा बॉक्स, और ये किसी का पार्सल पैक हो रहा है। यहाँ पर एक रैक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये आपकी स्क्रू की पैकेट्स हैं। ये आप लोग जो ऑर्डर्स देते हैं ये स्क्रू की पैकेट हैं। ये इसमें एक पैकेट में दोस्तों 10,000 स्क्रू रहते हैं, तो ये टोटली स्क्रू की पैकेट हैं। और ये आप सभी लोग देखेंगे जो स्क्रू ड्राइवर मशीन होती है, ये स्क्रू ड्राइवर मशीन आप लोगों की स्क्रू ड्राइवर मशीन है। ये आप सभी लोग देखेंगे ये RC ड्राइवर हैं दोस्तों, ये आपके AC DC के ट्राइंगल ड्राइवर रखे हुए हैं।
उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे एक ये किसी का बड़ा ऑर्डर लगता है ये, इसमें आप सभी लोग देखेंगे बहुत सारा मटेरियल इसमें भरा जा चुका है। इसमें ये इन्वर्टर बल्ब के पैकिंग बॉक्स हो गए, B22 हो गए। यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आप सभी लोग ये आपके 0 वाट के जो बल्ब होते हैं, ये 0 वाट के बल्ब कलर्ड में रखे हुए हैं। आप लोग यदि कलर्ड में लेना चाहते हैं तो कलर्ड में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, और यदि आप लोग वाइट में लेना चाहते हैं तो आप लोगों को दोस्तों हम लोग वाइट में भी प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके बाद में ये सभी जो बॉक्स हैं इनमें भी आप लोगों का दोस्तों मटेरियल रखा रहता है। ओके, इसके बाद में मैं इधर चलता हूँ, यहाँ पर इस वाले बॉक्स में मैं आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोगों की जो टिक्की फिटिंग मशीन रहती है उसका, जैसे आप लोगों का सर सवाल रहता है कि आपकी सर कंपनी किस चीज़ की जो असेंबलिंग करती है, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो यहाँ पर आप सभी लोग, मैंने वीडियो में बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जैसे कोई भी असेंबलिंग पार्ट्स होते हैं उनको असेंबल करना, वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो टिक्की फिटिंग मशीन होती है, इनके टोटली पार्ट्स रहते हैं हमारे पास में, उन सभी पार्ट्स को हमारी कंपनी असेंबल करवा के और आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाती है। ये असेंबलिंग पार्ट आप लोगों को कहीं कंपनी से नहीं मिलेंगे, हमारी कंपनी से मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप असेंबलिंग ये पार्ट सिर्फ पार्ट लेना चाहते तो पार्ट भी हमारी कंपनी अवेलेबल करवा देगी। ये आप सभी लोग देखेंगे, इसके बाद में ये आप कितनी अच्छी चमक है, कितनी अच्छी फिनिशिंग है दोस्तों, ये हमारी प्रेसिंग मशीन की। यहाँ पर देखेंगे ये आपकी दोस्तों प्लेट है, और इसके बाद में ऐसे करके मतलब बहुत सारे पार्ट होते हैं। ये आपका रोल है, ये आपकी गरारी है, ये आप लोग देखेंगे ये आपकी गरारी है, हैंडल वगैरह होता है। यहाँ पे आप सभी लोगों को दिखा दूँ काफ़ी सारा, क्योंकि ये आयरन का रहता है तो वजन भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं आप लोगों को उठा के दिखा सकता हूँ। ये आप सभी लोग देखेंगे ये आपके रोल हैं, जिससे आप लोग पकड़ के आप लोग अपनी जो है टिकली को फिटिंग करते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये आपका डिफ्यूज़र इसमें है थोड़े बहुत। ओके, इसके बाद में मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये है आपकी दोस्तों पंचिंग मशीन। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये है आपकी दोस्तों पंचिंग मशीन। ये आप लोग देखेंगे कि कितनी पंचिंग मशीन है, लगभग 250 से 300 पंचिंग मशीन अभी इस टाइम पे अवेलेबल हैं, और लगभग 4-6 दिन के अंदर ये 250-300 जो पंचिंग मशीन होती है चली जाती है। आप सभी लोग देखेंगे ये आपकी पंचिंग मशीन है, जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी की आपकी पंचिंग मशीन रहती है। यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे बहुत सारी पंचिंग मशीन है, कितना भी आप लोगों को चाहिए बिल्कुल स्टॉक की आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि जो अभी ट्रेडर्स और सप्लायर हैं कि इतना स्टॉक किसी के पास में होगा। यहाँ से आप यदि आकर ले जाना चाहते कभी भी किसी भी टाइम आएँ आप और यहाँ से ले जा सकते हैं। इस एरिया में मैं बात करूँ तो दोस्तों आप लोगों की इस एरिया में प्रेसिंग मशीन की असेंबलिंग चलती है। ये आपके प्रेसिंग मशीन के सभी पार्ट्स रखे हैं, जैसे ये आपकी होगी प्लेट, ये प्लेट, और यहाँ पे आपका ये जैसे देख रहे हैं ये आपका गुल्ला यहाँ पे लगाया जाता है, और स्क्रू उसमें लगाया जाता है। ये आपका रोलर हो गया, यहाँ पर इस साइड में देखेंगे तो ये आपकी गरारी हैं, इसमें आप लोग देखेंगे ये आपकी सभी गरारी हैं प्रेसिंग मशीन की, और ये आपका भी पार्ट जो है प्रेसिंग मशीन का है, ये भी आपकी गरारी है, ये आपका ऊपर का हैंडल है, उसके बाद में यहाँ पे ये आपकी स्प्रिंग है। तो ये जो सभी पार्ट्स होते हैं दोस्तों ये प्रेसिंग मशीन के टिक्की फिटिंग मशीन के पार्ट्स हैं। यहाँ पर रेडी होने के बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि ये जो रेडी होने के बाद में कुछ इस तरीके से आपकी प्रेसिंग मशीन जो है प्रेसिंग मशीन रेडी करके इस तरीके से रेडी होती है। यहाँ पे रेडी होने के बाद में जैसे कस्टमर के पास में जब पहुँचती है तो कुछ इस तरीके से पहुँचती है। इनमें अभी हैंडल लगना और बाकी है, और ये आप लोगों की इस तरीके से रहती है, और 2 गुल्ले इनमें और लगाए जाते हैं जिससे आप लोगों के 1 गुल्ले का काम रहता है दोस्तों 3-9 वाट की बल्ब को असेंबल करना, टिक्की फिटिंग करना, और दूसरे का रहता है वर्किंग दोस्तों आपके 12 वाट से लेके 20 वाट के बल्ब को असेंबलिंग करना। ओके, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये आपका दोस्तों पूरा चार्ट है, सिस्का बिजनेस किट में क्या रहता है, रिपेयरिंग किट में क्या रहता है, आईसी का जो मटेरियल होता है उसमें क्या क्या रहता है, ताकि जो पैकिंग करने वाले स्टाफ हैं, पैकिंग करने वाले लड़के हैं, उन लोगों को से कोई गलती ना हो। यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे दोस्तों ये आपके सभी ट्यूबलाइट के दोस्तों पैकिंग बॉक्स हैं, जिन लोगों के ट्यूबलाइट के ऑर्डर आते हैं उन लोगों को ये पैकिंग बॉक्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। ओके, ये आप सभी लोग देखेंगे हमारे यू लाइट के टी लाइट, जो यू लाइट का हमारा ब्रांड है वो टी लाइट के पैकिंग बॉक्स इस एरिया में आप लोगों के रखे गए हैं। ओके, यहाँ इसके बाद में यहाँ पर हम आगे चलते तो इसमें आप लोग देखेंगे ये पूरा जो है बॉक्स, इस पूरे बॉक्स में दोस्तों आपका जो सिस्का टाइप का रहता है हाउसिंग, सिस्का टाइप का हाउसिंग का पूरा डिफ्यूज़र इस वाले बॉक्स में आप लोगों को दोस्तों रखा गया है। जो भी ऑर्डर आता है सीधा यहाँ से पैकिंग बॉक्स में आपके डाल दिया जाता है। ओके, अब थोड़ा और हम आगे चलते हैं और हम थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन मैं पूरा सारा कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस वाले बॉक्स में मैं बात करूँ तो आप लोगों की जो सिल्वर में
आप लोगों के कि विथ वायर वाले जो आप लोगों की डिमांड रहती है, जो DOB प्लास्टिक बॉडी में दोस्तों जो B22 कैप रहते हैं, वो B22 कैप आप लोगों को पूरे इसमें भरे हुए हैं। कितना भी आप लोगों को चाहिए ये B22 कैप आप लोगों को मिल जाएंगे। इसमें बॉक्स में बात करूँ तो 30,000 के लगभग आपके B22 कैप आते हैं, तो ये B22 कैप आप लोगों के यहाँ पे रखे जाते हैं। ओके, इसके बाद में मैं यहाँ पर चलता हूँ। बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे भी दोस्तों फैला रखा है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इस कट्टे में मैं बता दूँ तो इसमें आपको आपकी जो टी बल्ब की दोस्तों जो हाउसिंग होती है, ये टी बल्ब की दोस्तों हाउसिंग इसमें रखी हुई है। ऐसे भी बहुत सारा मटेरियल फैला हुआ है, क्योंकि पैकिंग चलती है तो लड़कों की जैसे ज़रूरत पड़ती है वो अपने हिसाब से निकालते हैं और पैकिंग करते हैं। इसमें मैं बात करूं तो इसमें पूरी आप लोगों के टी बल्ब की दोस्तों डिफ्यूज़र रखे हुए हैं। ये आपके दोस्तों कनेक्टर जो होते हैं टी बल्ब के, ये आप लोगों की दोस्तों वो कनेक्टर हैं। इसमें मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सभी लोगों की दोस्तों कंसील लाइट की जो हाउसिंग है, वो कंसील लाइट की हमारे ब्रांड में आप लोगों की हाउसिंग है। ओके, यहाँ पे ये बॉक्स में बात करूँ तो इस बॉक्स में दोस्तों आप लोगों की टोटल जो AC DC की हाउसिंग और डिफ्यूज़र हैं, AC DC 12 वाट यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, ये आपकी हाउसिंग है। ओके, तो इस प्रकार से सारा कुछ मटेरियल अवेलेबल है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग, इसको मैं रख देता हूँ, यहाँ पे ये रैक लगी हैं, इनमें आपकी यहाँ पे DOB MCPCB 7-in-1 की MCPCB सभी MCPCB यहाँ पर आप लोगों के अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पे ये देखेंगे आप लोग तो ये AC DC की दोस्तों आप लोगों की MCPCB है, AC DC DOB में तथा AC DC अल्फा DOB में। AC DC की मैं बात करूँ तो टोटल 4 से 5 क्वालिटी हमारे पास में अवेलेबल हैं। कस्टमर की बहुत डिमांड रहती है AC DC, जो जादू बल्ब के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो वो भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद में हम और आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस एरिया में मैं आता हूँ तो यहाँ पे इस एरिया में पैकिंग चलती है आप लोगों की, वहाँ पर भी पैकिंग चलती है और यहाँ पर भी पैकिंग चलती है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर पैकिंग चल रही है करंट कंडीशन में, और इसी के साथ में जब मैं ये वीडियो शूट करवा रहा हूँ तो अभी इस टाइम पे जो आपकी कुरियर की गाड़ी होती है जैसे आप लोगों का मटेरियल जाता है, तो वो भी आ गई। इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि आपके जो पार्सल होते हैं वो स्कैन करके किस तरीके से आप लोगों के पास में पहुँचाए जाते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस है, आप किसी भी जगह पर हों, भारत में आप किसी भी जगह पर हों, अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, और ऑल इंडिया में आप किसी भी जगह पर हों, आपका मटेरियल उस जगह पर पहुँचा दिया जाता है। ओके, ये आपका एरिया हो गया। इसके बाद में मैं लास्ट आप लोगों को दिखाऊंगा अपनी ऑफिस, जो हमारी ऑफिस है, उसके बाद में आज की जो वीडियो है उस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। तो मुझे ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अभी चलते हैं हम अपनी जो हमारी पर्सनली जो खुद की ऑफिस है, जिसमें सत्यम जी और मैं बैठता हूँ, वो ऑफिस भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो चलते हैं ऑफिस की। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं दोबारा से अपनी ऑफिस में, और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी जो ऑफिस है उस ऑफिस का टूर कराने वाला हूँ। और जो जो भी है अपनी ऑफिस छोटी सी, आप सभी लोगों के प्यार की वजह से जो भी हमने ऑफिस बना रखी है, वो ऑफिस का मैं यहाँ पर टूर कराने वाला हूँ। ये जो आप लोग सेटअप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका सेटअप है सत्यम जी का, जिनके नाम से दोस्तों ये कंपनी चल रही है सत्यम LED लाइटिंग इंडस्ट्री। ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये सत्यम जी का सेटअप है। यहाँ पर सत्यम जी बैठते हैं और जो भी कंपनी की प्लानिंग होती है हम लोग मिलकर यहाँ पर प्लानिंग करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हेड हैं, वो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और जो कस्टमर होते हैं जिनकी कोई भी कंप्लेंट होती है वो ये सर जी आपकी कंप्लेंट को सॉल्यूशन करवाते हैं। और ये जो सेटअप आप सभी लोग देख रहे हैं, ये सेटअप है दोस्तों मेरा, यहाँ पर मैं यहाँ बैठता हूँ, और आप सभी लोगों की जो भी समस्या होती है, जो भी प्लानिंग होती है हमारी और सत्यम जी की कंपनी की, वो पूरी प्लानिंग करते हैं। और यहाँ पे आप सभी लोग इन सर को देख रहे हैं, ये सर हमारे हेल्पिंग करते हैं, जो भी आप लोगों की स्लिप वगैरह होती है, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, उन सभी की कोरियर की स्लिप निकालने का वर्किंग पूरा इनका रहता है। और ये जो भी मुझे जो भी सहायता चाहिए होती है, वो सारी सहायता ये सारा कुछ मैनेज करते हैं। और यहाँ पे आप सभी लोग, ये YouTube सिल्वर प्ले बटन है, जो मेरे को YouTube के द्वारा लगभग 1 साल पहले अवार्ड में मिला था। और एक जो सिल्वर प्ले बटन है टेक्निकल शिवम YouTube चैनल का, वो भी बहुत जल्द आने वाला है, उसकी भी मैं अनबॉक्सिंग वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसके बाद में यहाँ पर ये हमारे मंदिर है, जो भी पूजा पाठ होती है वो हमारे यहाँ पर होती है इनके आशीर्वाद से, और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से जो हमारी कंपनी है लगातार अच्छे प्रारूप पर चल रही है। और सारा कुछ बस जो भी है दोस्तों, ये आप सभी लोगों का प्यार है, और हमारी जो कंपनी थी, जो भी सारा कोई सेटअप है, वो इतना बड़ा है। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को अपनी जो फैक्ट्री है उसकी वर्किंग चल रही है उसका भी मैं टूर कराऊंगा। लगभग आज से जब भी होता है 3 महीने 6 महीने के बाद में पूरा टूर कराऊंगा, उसमें सारा कुछ सेटअप जो है एक जगह पे होगा,
और सारा कुछ करवाऊंगा। तो जिन लोगों को एलईडी बल्ब बिजनेस स्टार्टअप करना है वो हमारी कंपनी के साथ में जुड़कर स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारी कंपनी में टोटल यंगस्टर हैं, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये यंग लोगों का बिजनेस है, तो यहाँ पर टोटली हमने यंगस्टर स्टाफ रखा है, क्योंकि यंगस्टर के जो प्लानिंग होती है, यंगस्टर के जो जवान लोगों की जो प्लानिंग होती है वो सबसे अटके रहते हैं और नए नए जो प्लान होते हैं वो सारे को शेयर होते हैं। उसके बाद में हमारा जो भी सेल्स डिपार्टमेंट है, जो भी हमारा टोटली स्टाफ है, उन सभी की प्लानिंग के साथ में और आप लोगों के आशीर्वाद के साथ में कंपनी वर्किंग कर रही है। तो बस जो भी था वो मैंने सारा कुछ आज आप लोगों को दिखा लिया। बाकी आप लोगों को जो भी कुछ पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है वो आप सभी लोग को कॉल करना है और अपना ऑर्डर बुक करवाना है। उसके बाद में आप लोगों को ऑर्डर डायरेक्टली हमारी कंपनी की जो वेबसाइट है सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री .com उस वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर भी लगभग मैं अगर बात करूँ 5000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और परमानेंटली अपना पर डे ऑर्डर बुक करवाते, तो कंपनी की वेबसाइट पर आप लोग एक बार ज़रूर जाएँ, वहाँ पर आप लोगों के लिए लगातार ऑफर पे ऑफर चलते रहते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।